इट इज अ सबमरीन, सबमरीन इज अ वेसल। दिखाओ टैग नहीं रहा है ऊपर करके, सबको दिखाओ। इट इज अ सबमरीन, सबमरीन इज अ वेसल दैट कैन गो इन अंडर वाटर। इट्स पर्पस इज टू मॉनिटर द अंडर वाटर थिंग्स, एनिमल्स एटसेट्रा। और भी पर्पस है सबमरीन का, एनिमल्स वगैरह वाला नहीं है सबमरीन क्यों यूज़? फाइटिंग भी होती है वो, और बेटर वही होती है एनिमल्स उसके लिए नहीं होता। साइंटिस्ट ने लिखा है होता है क्या? हाँ ठीक है मुझे, ओके ठीक। एक बार फ्रेम को देख रहा हूँ, हाँ रियल लाइफ में इट इज यूज्ड बाय नेवी। देखना पानी में नहीं गिर जाए वो। इट इज यूज्ड इन अंडर वाटर सी। सर कैसे होता है वो बताया था, तुम्हारा प्रेजेंटेशन है तुम डिसाइड करो। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मत पूछ, तुम डिसाइड नहीं कैमरे को आगे करो यहाँ पे यार वो मैं ठीक है कर चुका हूँ। या गाइस इफ यू वांट टू देखना है अगर वो क्या कर रहा है। अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं इसको अंदर डालूंगा। पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, ठीक है। कैन यू गाइस सी इट इज गोइंग डाउन, ठीक है। द मोर ही सक्स उतना ये नीचे चला जाएगा। ही विल एक्सप्लेन, मैं इसको ऊपर ला, चंद्रना तुम्हें दिख रहा है? ही इज पुशिंग द वाटर आउट। तो बिखरता है पानी, कोई बात टब को साइड कर दो। When I start from this pipe, water comes from this pipe, and when I blow air, Priya आपने पूछा है ना, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बट आप देख नहीं रहे हो। When I blow air from
water goes out from this pipe. कैसे करते हो बताओ कबीर, इट्स योर प्रेजेंटेशन, यू हैव टू डिसाइड. बीच बीच में मुझसे मत पूछो, तुम्हारा प्रेजेंटेशन है. अगर मैं बताऊंगा कब क्या कैसे बोलना है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता. प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा. इट्स योर प्रेजेंटेशन, तुम डिसाइड करो कि जो ऑडियंस है उनको क्या सुन के समझ में आएगा. तुम डिसाइड करो, ठीक है ना. दिया ने तुमसे बहुत क्यूरियसली पूछा कि अरे ये वो कैसे है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो उसको समझ कैसे आएगा, वो तुम बताओ. जो मैं आपसे एयर ब्लो करता हूँ तो इसके अंदर जो पानी होता है वो इस पाइप से बाहर आ जाता है, इसके अंदर ऑलरेडी होता है. और जब मैं सब करता हूँ तो इसके अंदर जो एयर होती है वो बाहर आती है मेरे मुंह में, और पानी आता है इस पाइप से क्योंकि अंदर है ना अंडर वाटर. और जब पानी पूरा भर जाता है तो नीचे जाते रहता है, और जब पानी खाली होता है तो ऊपर आते रहता है. Really, but ठीक है. ये दूसरे पाइप से कैसे बाहर आ रहा है? ये पानी जो कि ऑलरेडी वाटर के अंदर है. सुनो वो क्या पूछ रही है, एक बार सुनो वो क्या कह रही है. पूछो. जो ये आप इस पाइप से ब्लॉक कर रहे हो तो मतलब पानी अंदर या बाहर ये दूसरे वाले पाइप से कैसे होता है? उनसे पूछो. आंसर देने की जल्दी मत करो, समझे उस क्वेश्चन में. अब सोचो उस बारे में, तुमने किया है तो तुम बता सकते हो क्या रीजन. जब मैं एयर ब्लो करता हूँ तो पानी को फिर यहाँ से बाहर जाना होता है, तो पानी पाइप से बाहर चले जाता है. मतलब वही पूछ रही है क्यों जा रहा है. अगर आप एयर ब्लो कर रहे हो तो वो बाहर क्यों आ रहा है पानी, वही पूछ रही है. आपने दिखा दिया करके आ रहा था, करेक्ट, क्यों आ रहा है? तो रीजन होगा ना, सम रीजन ऑब्वियसली, राइट. अच्छा रीजन तुम्हारे सामने है, तुम बस सोच नहीं रहे हो, तुम एयर ब्लो कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है सोचो तो सही. छोटे छोटे लेवल्स पे सोचो, छोटे छोटे लेवल्स पे. जब एयर ब्लो कर रहे हो तो एयर कहाँ जा रही है, क्या कर रही है. मैं एयर ब्लो कर रहा हूँ तो एयर पानी को पुश कर रही है तो पानी इस पाइप के बाहर चले जाता है. पर वो दूसरा जो मतलब जिससे आप ब्लो कर रहे हो उसी से क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एयर यहाँ से आ रही है, यहाँ से लगातार एयर आ रही है तो पानी इसके अंदर है, तो एयर मारेगी तो पानी बाहर जाएगा, तो पानी इस पाइप से जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी वाटर के अंदर है. यहाँ से मैं लगातार एयर भेज रहा हूँ तो एयर पानी के साथ ना आ सकते. पॉइंट इज कि पानी को जो जो बाथ में खाली मिलेगा वहीं से बाहर जाएगा ना, यहाँ से तो ऑलरेडी एयर इज ब्लोइंग. ठीक है. आपने जब ये दिखाया था जब वो डेमो किया था तब लेफ्ट साइड में इस सबमरीन के बबल फॉर्म हो रहे थे, वो थोड़ा लूज है यहाँ से, तो लूज होने से क्या होता है और बबल्स के फॉर्म होते हैं? Can you tell me? यहाँ से पानी बाहर आ रहा था. okay. और बबल्स को पता नहीं कबीर, बबल्स क्यों फॉर्म होते हैं, बबल्स क्या होते हैं एग्जैक्टली? बबल्स क्या होते हैं? बबल्स क्या होते हैं? बबल के अंदर क्या होता है? व्हाट इज अ बबल? कंटेंट क्या होता है? पानी. बबल में एयर होती है, तो एयर पानी से ऐसे बाहर निकल रही है तो ऐसा बबल की फॉर्मेशन दिखती है, बनती है जैसे पानी की लेयर है और वो ब्रेक हो रही है ऐसा, क्योंकि एयर बाहर आ रही है. समझ रहे, ये पानी की लेयर है और फिर वो एयर के कारण ऐसे यू ब्रेक हो रही है, ये बबल दिखता है. तो जिसको तुम बबल समझ रहे हो वो एयर है विच इज कमिंग आउट. तो जो तुम कर रहे हो, तुमने बोला ना साइड से लूज है, वहाँ से एयर बाहर आ रही है पानी के थ्रू होते हुए, जो तुम पुश कर रहे हो, ब्लो कर रहे हो, इसलिए वो बबल फॉर्मेशन हो रही है.
मुझे ये भी बताओ, तुमने लिया को बताया कि तुम जब ब्लो कर रहे हो तो पानी बाहर आ रहा है दूसरी पाइप से, जब तुम सक कर रहे हो तो पानी अंदर कैसे जा रहा है? जब मैं सबसे कर रहा हूँ तो मैं इसकी एक एयर चेक कर रहा हूँ तो फिर पानी इस पाइप से आ रहा है क्योंकि अब तुम उस वक्त तो तुमने पहले वाले रीजन में तो बोल दिया कि पानी पुश कर रहा था, उस पे भी क्वेश्चन है मेरा, बट एक बार को ठीक है। लेकिन जब तुम सब कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि पानी वाटर को खींच रहा है, ऐसा तो नहीं है क्या? होता होगा क्या तुम्हें लगता है कि? सर मान लो कि यहाँ पे वो नहीं है पानी, यहाँ पे वो है, यहाँ पे मतलब बाहर ऐसी है नॉर्मल, अगर मैंने इसको सक किया तो बाहर की एयर भी आ जाएगी इसके अंदर, इससे मतलब अगर लेकिन नहीं सब किया तो पानी अंदर आता है ना। मान लो अगर पानी ना हो अगर ऐसे बाहर नॉर्मली अगर मैंने सक किया तो एयर अंदर आ जाएगी, तो ये इसकी शायद टेंडेंसियों में भी कि मतलब सब इसको पूरा फिल इसको पूरा मतलब इसको खाली ना लेना पूरा भरता हूँ पानी क्या कह सब एक पाइप से कर रहा है और दूसरे पाइप से पानी अंदर आ रहा है रहे हो? एक तो पाइप से फिर एयर सक कर रहा है तो दूसरे पाइप से पानी अंदर आ रहा है। टेंडेंसी नहीं है बेटा, ऑब्वियसली रीजन है। अपन सी टेंडेंसी वर्ड जो है वो हर जगह यूज कर नहीं सकते क्योंकि हर चीज का एक्सप्लेनेशन टेंडेंसी कैसे हो सकता है? हम बोलेंगे पेपर बर्न हो रहा है और हम बोल रहे हैं रीजन क्या है, क्या हो रहा है, ये ऐश क्या होती है, कैसे बन गई है, तो अपन ये थोड़ा बोल सकते टेंडेंसी है। लेकिन ना जैसे टेंडेंसी ना हर जगह पे कैसे कह सकते हो, रीजन होगा ऑब्वियसली। रही रीजन होगा तो आपने बनाया, मगर आपने उसके पीछे क्यों हो रहा है उसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं है। हम कोल्ड ड्रिंक भी तो सक करते हैं, आती है ना कोल्ड ड्रिंक, क्या है वो सकिंग का क्या मतलब है? दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। एयर खींचना हाँ मतलब हिंदी में बोल, अरे लैंग्वेज ट्रांसलेशन थोड़ा ना कह रहा हूँ, होता कैसे है, क्यों होता है वो मतलब मीनिंग का। जो इसकी एयर है वो मेरे आ जाएगी मुंह में अंदर आ जाएगी। तुम अभी भी सोच नहीं रहे हो तुम। अच्छा ऐसे सोचो, इस बॉटल इसके अंदर कंटेनर के अंदर मान लो 1000 मॉलिक्यूल्स हैं एयर, तुमने सक किया तो मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स कम होने का क्या मतलब है, एयर के मॉलिक्यूल्स कम होने का मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग है चंदा एयर के मॉलिक्यूल्स कम होने एयर का? प्रेशर कम हो जाएगा। एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा बॉटल के अंदर, और जो बाहर का पानी है उसके ऊपर एयर प्रेशर इज द सेम जो पहले था, तो इस एयर प्रेशर के डिफरेंस के कारण वही जो तुम्हारे साइफन में हो रहा है, पानी पुश होगा नीचे, ज्यादा एयर प्रेशर है और पाइप के थ्रू अंदर आ जाएगा। दूसरा रीजन भी हो सकता है, क्या? अगर मैं वो पाइप से एयर सब कर रहा हूँ तो फिर जो ऐसे वो सबमरीन कर रखे मॉलिक्यूल जाएंगे वो तो वहां पे रहेंगे नहीं, इट वुड बी वैक्यूम एम्प्टी टाइप थिंग, और क्योंकि वो जो एयर वहां से सब हो रही थी तो फिर उसके पहले ही चीज का एक फोर्स है जो वो वाली जगह फिल नहीं कर पाएगा, तो फिर मुझे उस लग नहीं रहा बेटा, मेरे को नहीं लग रहा है, तो एक बार चेक कर लो, बट आई एम तो प्रिटी श्योर कि जो तू कह रहा है वो नहीं है। ठीक है, हम ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक भी सर्व करते हैं, हाँ, वो सब तो बता रहा। तुम समझ रहे हो? और जब तुम एयर को अंदर ब्लो कर रहे हो तो तुम अंदर एयर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, और जब एयर प्रेशर अंदर इंक्रीज हो रहा है तो वो पानी को पुश कर रहा है बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर एयर प्रेशर नॉर्मल है, हाँ जैसा होता है वैसा है, तो अंदर वाले एयर प्रेशर से कम है। ये बहुत सिंपल चीज, ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, यही कल अपने बलून में भी हो रही थी, जो कल बलून वाला काम किया था। ठीक है, गाइस एनी अदर क्वेश्चंस? मैं पूछा था कि ये मेटल प्लेट्स क्यों लगाई हैं। तब की ऐसे होता था, ऐसे ना ट्रीट ना होता, बिल्कुल सीसी की है, ऐसे ट्रीट नहीं होती। लेकिन पानी के मतलब अगर सरफेस में तब तो ऐसे समझ में आता है कि वो ऐसे टच हो गया ताकि वो ऐसे टर्न हो जाए, पर ऐसे पानी के अंदर तो मतलब ये चीज थोड़ी ना होनी चाहिए इनसाइड द वाटर, होती है तो फिर क्यों होती है? राघव को बुला लो, राघव को बुला लो। मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसके अंदर जब पानी भर रहा है, भरना लगता है, तुम जो सक करते हो तो ये नीचे क्यों जा रहा है? व्हाट इज द व्हाई डज इट गो डाउन?
क्योंकि जो इसकी वो जी डेंसिटी वो पानी की डेंसिटी के इक्वल हो जाती है, तो फिर नीचे चले जाते इसके हैं। अंदर पानी भर रहे हैं, पानी ही बाहर भी है, पानी ही इसके अंदर भी है, तो डेंसिटी तो सेम हुई ना, फिर नीचे क्यों जाएगा? जो बाइंड फोर्स है ना, जो बाइंड फोर्स है उससे ज्यादा, बाइंड फोर्स से ज्यादा डेंसिटी है जो नीचे जा रहा है उसमें। अगेन ये एम्प्टी है, जब ये खाली है तो ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, जब इसके अंदर पानी सब हुआ, अंदर पानी आ गया, कंटेनर के अंदर पानी आ गया तो ये नीचे क्यों जाएगा? व्हाट इज द रीजन? आर्किमिडीज वगैरह से एक्सप्लेन करो ना रीजन को प्रॉपरली, तुम्हें पता है रीजन क्या होती है, प्रॉपरली रीजनिंग को एक्सप्लेन करो ना। जाएगा इक्वल डेंसिटी होने पे नीचे जाता है क्या? इक्वल होगी तो फ्लोट करेगा वो और डूबेगा नहीं, इक्वल भी नीचे कैसे जाएगा? नहीं पुरानी थोड़ा सा मतलब ऐसे हाफ करता है पूरा नीचे तक ले जाना है पानी के, सपोज 100 मीटर नीचे तक ले जाना है तो कैसे जाएगा? 100 मीटर नीचे ले जाना है मुझे तो कैसे ले जाऊं? इसकी टेंपरेचर को बड़ा बढ़ाना पड़ेगा पानी से ज्यादा। पानी से ज्यादा डेंसिटी करना पड़ेगा। ओके ठीक है, वो कैसे करेंगे? हमें फिर दूसरा लिक्विड डाल सकते हैं, इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा हाईर हो। बट तुम तो सब कर रहे हो ना, तुम तो पानी ही सब हो रहा है, दूसरा लिक्विड कहाँ से आएगा? हमें पानी को ही इस्तेमाल करके ऊपर नीचे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ओशन में वाटर ही होता है, सॉल्ट वाटर, राइट? उसी को यूज करना पड़ेगा हमको। फिर तो मैं भी हम यहाँ पे कुछ डेंसिटी की कुछ ऐसा होता है उसको चेंज कर सकते हैं, मैं भी थोड़ा सा ताकि थोड़े सारे डेंसिटी ऑलरेडी बढ़ जाए पहले ही थोड़ी सी। ऑलरेडी डेंसिटी बढ़ जाए। ओके ठीक। डेंसिटी होती है, डेंसिटी मुझसे नहीं पूछ रहा, क्या होती है? तुमने कहा डेंसिटी बढ़ मास पर वॉल्यूम, एक्सप्लेन करो। वॉल्यूम बताए, हाँ मास, मास, वेट, वेट और मास सेम होता है? तुमने कहा मास पता है, वो कहता है वेट, वेट और मास सेम होता है? क्या डिफरेंस होता है वेट और मास में फिर? क्या है अलग, कैसे है मास और वेट से? अगर मास और वेट का वो नहीं पता है तो फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम कैसे एक्सप्लेन करोगे? मास होता है कि किसी बॉडी कोई बॉडी में जितना मैटर हो उससे मटेरियल मास है, होता और वेट है। वेट मतलब उस वो बॉडी कितना पुश करके नीचे की तरफ। फैंटास्टिक। सो व्हाट वुड बी डेंसिटी? मास जो पर वॉल्यूम में, जो एक वॉल्यूम में जितना मास आ सके। एक यूनिट वॉल्यूम में, वे 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 मीटर क्यूब ना? ठीक है, एनीथिंग गाइस? दोबारा से ये नहीं बोलना, अगर दोबारा यही बोलोगे तो वही बात हो जाएगी, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। आंसर दे रहा है क्वेश्चन का? वॉल्यूम समझ आ गया, मास तुम्हारे
हमारी पेट है तो थोड़ा सा, उसके अंदर कितना मास है, जैसे 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, उसके अंदर कितना मास है? बोलो ना, आया समझ में कि नहीं आया? हाँ मतलब वो 1 मीटर ना आया समझ में? तो उसको रिस्पॉन्ड तो करो। एनीथिंग एल्स गाइस? ये पानी में जाके एक ही जगह पे ऐसे क्यों रुक जाता है? मतलब जाते रहना चाहिए ना पानी सबमरीन तो अंदर गर्थम जी नहीं, तो एक ही लेवल पे स्टेबल कैसे रहता है? नीचे क्यों नहीं जाता रहता है बार? मतलब एक बार पुश किया उसके बाद नीचे जाना चाहिए ना लगातार, जब तक वो या सी का जो फ्लो होता है उसको टच ना कर दे, या फिर ये जो आपका टब था उसको उसको टच ना कर दे, जाना चाहिए। क्योंकि नीचे और ज्यादा हाई डेंसिटी होती है तो वहां पे नहीं जाता, मतलब उसकी डेंसिटी फिर हम और इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि और नीचे जाए। तुम ये कह रहे हो पानी की सी वाटर की डेंसिटी नीचे जाते जाते इंक्रीज होने लगती है, ऐसा है क्या? मुझे पता नहीं है, है क्या ऐसा? मुझे नहीं लगता ऐसा, आपको नहीं लगता ऐसा है? किस बेसिस? हाँ क्योंकि वाटर तो वाटर ही है ना, उसकी डेंसिटी क्यों इंक्रीज होगी? माइट भी पॉसिबल, माइट भी, क्योंकि ऊपर का जो वाटर लेवल्स है सारा ऊपर का, हो सकता है कि उसका प्रेशर इज सो मच सो दैट जो बॉटम ऐसा है या तुम अपने हिसाब से कह रहे हो या तुम्हारा आइडिया है? दिस माइट बी पॉसिबल व्हाट शी इज सेइंग। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से कुछ ऐड करना?